वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। ये है जनाब क्रेन। अभी हम आपको क्रेन चलाने का तरीका सिखाते हैं। पीटीओ लगाओ जी, ये क्लच दबा के ये पीटीओ होता है, इसको खींच, ये इसका पीटीओ लग गया। अभी इसके आउट रिगर हम बाहर निकालेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसके आउट रिगर के लीवर है। प्लाई रखना जरूरी होती है, इसलिए प्लाई होगी या ये पत्ते बने हुए हैं, ये इसलिए होती है। खुदा ना हास्ता अगर जगह जो नीचे अर्ध है, इसका ज़मीन है, ये नरम हो तो जैक नीचे ना बैठे, ताकि क्रेन को कोई प्रॉब्लम ना हो, नीचे गिरने में मुश्किल ना बन जाए। वे जैक बैठ गया तो क्रेन गिर जाएगी ना। अगर वो बत्ते बने हुए हैं ठीक है, नहीं तो एक एक करके ये बत्ता नीचे लगा दो। जगह थोड़ी डाउन थी, इसलिए उन्होंने पहले नीचे पत्ते लगाए। अलियास भाई इसके एक ऑपरेटर हैं, ट्रेन ऑपरेटर अलियास भाई, हैदर हैदर भी इनको कहा जाता है। और नहीं यार, जगह मजबूत है, इतना लाने की लोड़ नहीं, इसका वजन नहीं निकलता ही नहीं। अच्छा ये चाइना की क्रेन है, तो क्या कहते हैं, चाइना का माल चले तो सदिया, ना चले तो एक मिनट भी। अभी जैक नीचे लगाने के लिए फिर उसी तरह वो चार लीवर हैं, उनमें से लेवर चार लेवल हैं, उनमें से चारों को नीचे करें, एक एक करके नीचे करें, फिर एक्सीलेटर ऊपर उठाएं। हम आपको बताते हैं कि इसके लीवर ये आप देख सकते हैं, ये पहला जो लीवर है ये है रस्सा, बड़ा जो रस्सा है उसको नीचे करने के लिए, ये छोटा रस्सा नीचे करने के लिए, और ये इसके आगे टेलीस्कोप जो होती है वो निकालने के लिए, ये जो है बूम का है, बूम ऊपर, ये पूरा बूम ऊपर नीचे करने के लिए, ये जो होता है लीवर ये जूम करने के लिए,
अभी हैदर भाई आएंगे, वो आपको बताते हैं, वो करेंगे। ये अमरूद में हम खड़े हैं, अमरूद शिरका अलयूनी का ये प्लांट है, कंक्रीट पंप भी खड़ा है, ये गार्डर का काम हो रहा है, गार्डर की कंक्रीट कर रहे हैं। ये कुबरी साथ बन रही है, इस कुबरी का ये हदीद, अरबी में हदीद कहते हैं, हम जो लोग हैं पाकिस्तानी सरिया लेके आए हैं। ये देखें अभी उन्होंने सरिया नीचे किया है, गिट्टा वाला नंबर है नीचे करके, ये फूम है, फूम वाला तीसरे नंबर का लीवर उन्होंने वो है, अभी फूम इसका ऊपर हो रहा है। आदर फूम में थोड़ा झटका दिया कर, इससे पता लग गया झटके ना बैठे लोग हैं। क्या हाल है, ठीक ठाक हो, हरी है, सेहत अच्छी, शुक्र है अल्लाह का शुक्र। ये जूम कर रहे हैं साथ साथ, मैं यार जी बस मक्का तो जम्मू शर्मा पास कर रहे हैं, अभी फिर इसको निकालेंगे। इस पैरे में तो इसको बाहर निकालो, इसको बाहर उसमें करो ना, चारे फंक्शन एक बार। अच्छा चलो दोस्तों, फिर इंशाल्लाह डाल के चारों जंजीर एक साथ में रहते हैं बांधने के लिए, ठीक है जी। और मैं आपका अपना दोस्त जाहिद रफीक, और चैनल का नाम है जाहिद हज़ारवी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो, मालूमती वीडियो, मुकदस मकामात में जाता हूँ वो वीडियो, और जो रास्ते में जाते हैं कोई डेंजरस जगह या कुछ भी हो वो आपको इंशाल्लाह ये माने। अस्सलाम वालेकुम।